कट ढक्कन है, यहाँ से जितने भी बाइक्स हैं जितने बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स लगती है उनमें एक दिन ये प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि आपने आप भी एक ना एक दिन अपने ब्रेक होल चेंज कराओगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और इन तक देखना और कैसे मैंने ये ठीक किया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपने R15 V3 के ब्रेक्स के प्रॉब्लम, जो कि मैंने ब्रेक ऑयल जब चेंज कराया था तब से मतलब ये प्रॉब्लम आई और उतना अच्छे से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था मेरे ब्रेक्स में। तो मैंने आज ये फाइनली मतलब ये जो भी प्रोसेस मैंने किया है वो करके मतलब इसका ब्रेक्स मैंने ठीक कर डाले हैं। और एक हफ्ता यूज़ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है तो इसी वजह से। और पहले मैं यहाँ पर साइड करूँगा बाइक को और आप लोगों को सारी प्रोसेस में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या मतलब किया था और इसके पीछे मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट और पैसे भी थोड़ा खर्च हो गए। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मेहनत के बाद मतलब अभी ब्रेक जो बनी है ना भाई, पूछो मत, एकदम अच्छे से लग रही है। और ये प्रॉब्लम कब आई थी मेरे को, जब मैंने इसका ब्रेक ऑयल चेंज किया था। और जितने भी बाइक्स हैं जितने बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स लगती हैं उनमें एक दिन ये प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि आप भी एक ना एक दिन अपने ब्रेक ऑयल चेंज कराओगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और इन तक देखना और कैसे मैंने ये ठीक किया। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपना बाइक तो ठीक किया ही और एक MT15 है उसमें भी यही सेम प्रोसेस मतलब यूज़ करके मतलब मैंने उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया और काफ़ी अच्छे से उसका भी ब्रेक मतलब लगना स्टार्ट हो गई। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक के बताऊँगा कि मैंने क्या किया था और कैसे ठीक हुआ। तो कुछ रात के क्लिप्स हैं ये भी देख लेना, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस रात को मतलब पहले ही मतलब मैंने वीडियो शूट कर रखा था ताकि आपको बता सको, फुल्ली इन्फॉर्म रहे हैं आप लोग। तो जब भी आपका ब्रेक ठीक से ना लगे तो पहले आप उसका वायर चेक लें कहीं से फटा या फिर कटा नहीं है, और डिस्पैच चेक कर लें। और उसके बाद मेन चीज़ आता है आपका ये डिस्क ब्रेकेट जो है ये भी फट जाती है तो अच्छे से नहीं लगते हैं ब्रेक्स। तो एक बार ये भी चेक कर लीजिए, डिस्क ब्रेकेट बोलता है इसको, और ये कट कट करती है तो वो ब्रेक स्विच है। और उसके बाद यहाँ से ये जो ढक्कन है, यहाँ से पहले आप ब्रेक ऑयल जब भी डालते हो अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का डालना, और उसके बाद यहाँ से जितना हवा हो सके उतना निकाल लेना, क्योंकि आप लोग जब भी डालते हो ब्रेक ऑयल तो इसमें ये पाइप में हवा भी चली जाती है और हवा वो इम्पैक्ट पड़ने नहीं देता, वो डिस अच्छे से नहीं लगती है। तो यहाँ से जितना हवा रिलीज़ कर सकते हो उतना रिलीज़ करो और एक दिन चलाने के बाद फिर से यहाँ से हवा रिलीज़ करो। और उसके बाद वन नाइट आपको उसके बाद मैं ये पहले ये वीडियो देख लो रात को कि हवा मैंने कैसे रिलीज़ किया था दो दिन यूज़ करने के बाद। रबड़ का वो ढक्कन खोल रहे हैं और ये खोलने के बाद वो टाइट करेंगे, एयर रिलीज़ करेंगे वहाँ से। तो पहले ये प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि ये करने के बाद ही दूसरा प्रोसेस मतलब कीजिएगा, और मैंने भी सेम ऐसा ही किया था। तो ये यहाँ पर डल गया, तो ये यहाँ से ऑयल एयर निकल रहा है, देख ही सकते हैं ऑयल निकल रहा है और अभी बंद हो गया। तो ये बंद कर देंगे आप, और ये बंद होने के बाद टाइट हो गया पूरा। और ये ऐसे मतलब दो तीन बार कर लीजिएगा, मेरा फ़िलहाल अभी ठीक है रात को। तो सेकंड प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर भी हवा मतलब ऐसे घुस जाती है और ब्रेक, पहले मेरे ब्रेक्स यहाँ तक आ जाते थे और प्रॉपरली वॉक नहीं करती थी, लगती नहीं थी। और मैंने जितने भी YouTube में कहीं पर भी वीडियोस मैंने देखे हैं तो किसी ने प्रॉपरली मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है, बस सिंपल सा वो लोग का क्या है कैसे कपड़े से बांधो रात भर और आराम करो, वो एकदम फालतू प्रोसेस है, वो करना मत। और ब्रेक्स मैंने उसी चक्कर में और भी ख़राब हो गया था। तो पहले जितना एयर रिलीज़ करना हो पहले वहाँ से कीजिए, और उसके बाद कपड़ा से मतलब जितना टाइट हो सके उतना बांध लो। और मैंने कुछ इस तरीके से बांध दिया है, पूरा टाइट है ये, और मैंने भी यहाँ से बहुत अच्छे से रिलीज़ किया है। ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल है, तो ये साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो डिस फिसलेगी और ब्रेक्स उतना नहीं लगेंगे। तो ये अच्छे से साफ़ कर लेना गाइस,
रात भर बांध दो, वन नाइट बांधने के बाद क्या होता है कि आपका एयर मतलब यहाँ से जितना भी है रिलीज़ हो जाता है, और उसके बाद मतलब आपकी ब्रेक्स मतलब प्रॉपरली वॉक करने लगती है। और सुबह एक मतलब वन डे आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा हो जाता है, ये बहुत हार्ड हो जाता है ब्रेक। और उसके आफ्टर वन डे वन नाइट यूज़ करने के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाती है और बहुत अच्छा काम करती है भाई, पूछो मत। और अभी जो बाइक चला के मज़ा आ रहा है तो मत इतना कंट्रोलिंग मतलब बढ़ गया है। और पहले मैं इसको क्या करूँ मतलब जब से ब्रेक्स बिगड़े हुए थे तब मैं इसको भगा नहीं पा रहा था ठीक से क्योंकि इसका ब्रेक्स प्रॉपरली वॉक नहीं कर रहे थे। एंड हाँ गाइस, जितने भी यामाहा V3 लवर्स है, MT मतलब यामाहा से जो भी बिलोंग करते हैं यामाहा बाइक से, तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अपना R15 का चेंज पॉकेट। और चेंज पॉकेट में स्टॉक मतलब जो यामाहा की मैं नहीं लगाने वाला हूँ, वो बाहर से मंगाया है वो चेंज पॉकेट, तो वो और वो चेंज पॉकेट का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है वो सब मैं बताऊँगा। और मेरे बाइक में ऑलरेडी वही चेंज पॉकेट लगे हुए हैं क्योंकि और वो ख़त्म भी हो गए, वो बहुत चल चुका है, तो मैंने फिर से मंगाया वही चेंज पॉकेट। और क्या डिफरेंस है वो वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वो आने वाली है और भी वीडियोस आएंगी बहुत अच्छी अच्छी क्योंकि टूर पे जाने वाले हैं हम लोग, तो स्टे कनेक्टेड वाइज। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़।